जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PR की अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। आज भी आपको अपनी वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ट्रेन सफर के दौरान आप रहिए सावधान। हम आपको सावधान क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, हम किस लिए बता रहे हैं कि आप हमेशा ट्रेन में जाते आते रहें सावधान। अब बात आती है कि जैसे कि आप ट्रेन में स्लीपर में यात्रा कर रहे हो या थर्ड एसी में या सेकंड एसी में, फर्स्ट एसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एसी की बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी और जनरल कोच हो गया, यानी चालू कोच हो गया और स्लीपर कोच हो गया। अब आपको बताते हैं इसमें हम आपको खतरा क्यों बता रहे हैं। इसको देखिए, आपकी सीट पे कोई भी, चलिए पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल में अक्सर क्या होता है, कहीं भी ट्रेन रुकती है रात को या दिन को, तो कम से कम आप गेट बंद रखिए, ठीक है। बंद रखने के बाद उसे खोलिए मत, और रात के समय आप अपना मोबाइल, कीमती सामान अगर रखते हो बारी के पास तो उसे प्लीज मत रखिए, क्योंकि बारियों से भी काफी चोरियों की शिकायत आती रहती है इंडियन रेलवे में। और ज्यादातर मैं आपको बताऊं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं नए खून के, यानी नए मतलब कि नए छोकरे होते हैं, यानी नए लड़के, तो उनको क्या होता है कि वो लोग अपनी मतलब कि फैंसी में जाके दरवाजे के पास रात के समय में मोबाइल चलाते हैं, वो भी दरवाजे के पास। तो कोई ना कोई आपका मोबाइल आके, ट्रेन अगर स्लो होगी तो उनकी ट्रेनिंग होती है चोरों की, तो आपका जो मोबाइल फोन है उसे मतलब तुरंत आपके ट्रेन में चढ़कर उसे आपको छीन लेंगे। कुछ भी कीमती चीज होगी आपकी तो उसे छीन कर ले जाएंगे अपने घर। आप तो ट्रेन छोड़कर उतरने वाले नहीं हो, भले कितना भी कुछ भी हो जाए ट्रेन नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि आप हमेशा गेट के पास मत रहिए, दिन में भी हो सके तो मत रहिए। ये हो गई गेट की बात की आपकी सेफ्टी। और हम बताते हैं कि यहाँ पे स्लीपर में क्या होता है। स्लीपर में भी यही चीज कॉमन रखती है कि मतलब गेट पे मत जाइए, चाहे थर्ड एसी हो गया चाहे सेकेंड एसी हो गया, गेट पे किसी भी मतलब कोच में आपको नहीं जाना है रात के समय, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अंदर क्या किस्सा होता है। अंदर ये होता है कि अगर आप किसी को स्लीपर में बैठाते हो, या फिर तो आप मतलब कि उसे सीट दे देते हो, अगर आपको उस पर थोड़ा भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, 139 पर मतलब 139 पर कॉल कर देना है कि अगर ये बंदा आपकी जबरदस्ती सीट पे बैठा हुआ है या उठ नहीं रहा है, तो उसे आप 139 पर कॉल करके आप उसको मतलब कि कम जो है कर्मचारी उन्हें शिकायत कर दीजिए, आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी, वो बंदा आगे उठ जाएगा, क्योंकि आपको ये डाउट होना चाहिए। अगर डाउट नहीं होता है तो भी आपकी सीट है, आप नहीं बैठाना चाहते उसे, तो भी वो मतलब आपकी परेशानी, आपको आपको परेशान नहीं करेंगे रेलवे वाले, बल्कि उस बंदे को आपकी सीट पर से हटा देंगे। अब बात करते हैं और क्या काम होता है चोरी करने का उनका। तो चोरी करने का ये भी एक मसला आता है कि मतलब वो लोग आपको खाने पीने की चीज अगर देते हैं तो उसे कितना मतलब कि कितना भी सफर किया है तो किसी के हाथ का खाने पीने का मत खाइए, भले वो बोलता है कि मैं भी खा रहा हूं आप भी खा लो, कितनी भी दोस्ती हो जाए खाने पीने का सामान उनसे लेकर मत खाइए, अपना खाइए तो फिर कैंटीन वालों से खरीद के खाइए। अब यहाँ पे बात आती है दूसरे में, हम आपको बता रहे हैं कि क्या करते हैं दूसरे में। ये चीज होती है आपको जनरल में बताते हैं, मैंने बताया आपको स्लीपर का। अब जनरल की बात करते हैं, यानी चालू डिब्बा जो होता है, चालू डिब्बे में भी देखो बहुत सारी भीड़े होती हैं, तो उसमें ऐसे अलर्ट रहिए आप लोग की मतलब हमेशा अपना सब कुछ चेक करते रहिए। अगर नींद आती है या स्लीपर या किसी चीज में, तो अपना जो कीमती सामान है अपने पास हिफाजत से रखिए, और चद्दर चद्दर या कंबल उम्बल ओढ़ के उसके ऊपर सो जाइए। सामने किसी को दिखने ना दिखना नहीं चाहिए, ताकि कोई आपका हाथ ना मार सके आपके सामने।
सामान को, क्योंकि अगर आप मोबाइल, कोई कोई होता है रात को रख देता है चार्जिंग में, और रात को बंदा चढ़ता है, रात को उसे लेके चला जाता है। तो इसको, इस तरह की गलती आप किसी भी कोच में मत करिए, चाहे एसी का कोच हो गया, चाहे स्लीपर का हो गया, चाहे ये जनरल का हो गया। और बात करते हैं अब थर्ड एसी की। थर्ड एसी में क्या हो गया, एसी में खाली पेंट्री कार वाले को अलाउ किया गया है कि उनको, मतलब कि चाय नाश्ता वगैरह बेचने का। मगर मैंने कई कई ट्रेनों में ऐसा देखा है, थर्ड एसी में नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल लोग भी मतलब उसमें बेचने चले जाते हैं, चना हुआ, सब्जी पूरी हुआ, समोसा हुआ। पेंट्री कार वाले तो आते ही हैं, उनके बाद भी दूसरे बंदे आ सकते हैं। अगर उन्होंने मतलब कि समोसा मोसा लेते, उसमें कुछ मिला के आपको खिला दिए, तो आप क्या करोगे? इसलिए उनका दिया हुआ मतलब बेच भले रहे, मगर उनका मत खाइए, पेंट्री कार वाले से लीजिए। अगर पेंट्री कार वाले के खाने से आपको दिक्कत होती है, तो आप उसके साथ उसकी शिकायत रेलवे को कर सकते हो, मगर उनको ढूंढने कहाँ जाओगे जो बाहर से बेचने आपके यहाँ पे आते हैं। तो इन सबसे सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए, इन लोगों के साथ मतलब बेच के चले जाएंगे, कुछ देखेंगे मतलब इस तरह से चोरी करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेंगे, पता ही नहीं चलेगा, और आपको कुछ पता चलेगा ही नहीं। उसके बाद ये लोग अपना बोरी बिस्तरा बांध के उतर ही जाते हैं वहीं से, मतलब वो लोग उसी स्टेशन पर बेचते हैं, फिर बेच के कि अच्छा हाथ मार लिया तो भैया चाय की केतली रखो साइड में, फिर सीधा घर पे चले जाते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड एसी की। तो सेकंड एसी में भी मैंने देखा है कि बहुत सारी चोरियां होती हैं, सेकंड है, मतलब सेकंड एसी होने के बाद भी चोरियां देखी गई है। ये ज्यादातर रूट दिल्ली में होता है और कानपुर में होता है। तो आप रात को चाहे भले कोई भी स्टेशन हो, तो वहां पे आप रात को भी अलर्ट रहिए और दिन को भी अलर्ट रहिए। किसी अनजान आदमी को अपनी सीट पे मत बैठाओ, ना उसे रहने दो। तो दोस्तों ये, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ट्रेन में चढ़ते हो, भीड़ ज्यादा होती है, तो अपना पर्स, मोबाइल, कीमती सामान अपने हिसाब से आप हिफाजत से रखिए, क्योंकि चढ़ते समय भी आपका पर्स गायब हो सकता है और उतरते समय भी ट्रेन से आपका पर्स गायब हो सकता है, यानी कट सकता है, और रात को सोते समय भी आपका पर्स या मोबाइल जेब से कट होके कोई चुरा सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला था, आप हमेशा इंडियन रेलवे में यात्रा करते समय हमेशा अपनी सावधानी अपने हिसाब से रखना।